हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट की राजनीति विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और उस चैप्टर के कंप्लीट करने पर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि फिर भी यदि आपको कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, महाविद्यालय में जाकर आप कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी समय आपको कहीं से कोई परेशानी होती है तो आप संपर्क करने का अवश्य प्रयास करें। तो विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति विज्ञान समझने के लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों को अच्छे तरीके से समझ लेना होगा, बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे विषय में जो शब्द बार बार आते हैं, जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों का सामान्य रूप में अर्थ क्या है, ये हमें समझना चाहिए। जैसा हम बैंक जाते हैं, बैंक की एक भाषा वाली होती है, उस भाषा के अनुसार हमें समझना होता है कि कौन सी कार्यविधि प्रोसेस हो रही है। जैसे डेबिट है, क्रेडिट है, या इस टाइप की बहुत सारी जो चीजें होती हैं उसके बारे में। जब हम मोबाइल को कम बात करते हैं, मोबाइल की, तो मोबाइल में भी जो भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की कार्यविधि अपनाई जाती है, जिनके कुछ विशिष्ट नाम होते हैं। वैसे ही राजनीति विज्ञान के मूल आधारों को समझने के लिए हमने उन शब्दों का चुनाव किया है जिन शब्दों को समझने के बाद राजनीति विज्ञान हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो उन शब्दों से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ कि उन शब्दों को आप समझ लें, जिससे आपको जितनी भी और अपना जो सिलेबस है उसमें इन शब्दों को बार बार दोहराया जाएगा और बार बार में इनका कहीं ना कहीं लिंक होगा, तो उस लिंक को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी उन शब्दों से आपका परिचय करवाना। तो जैसे ये शब्द है संसदात्मक शासन व्यवस्था, और इसके ऑब्लिक में मैंने लिखा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो शासन के दो प्रकार होते हैं, या तो शासन संसदात्मक होगा या फिर शासन अध्यक्षात्मक होगा। इन दोनों में से एक शासन व्यवस्था चलेगी। कहां पर? राष्ट्रों की बात हो रही है कि जिस भी राष्ट्र में संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, और वो शासन व्यवस्था कौन सी शासन व्यवस्था को अपना रही है, इसके बारे में उसमें स्पष्ट रूप से लेखा जोखा होता है। तो ये शब्द आप डायरेक्ट बुक में शब्दों के रूप में पढ़ेंगे, तो हमें अर्थ जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीए पार्ट फर्स्ट है। कई बच्चे जिनके पास 11th 12th में ये था विषय, उन लोगों ने तो उन लोगों को कुछ इन शब्दों की जानकारी होगी, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम राजनीति विज्ञान विषय का चुनाव किया है, उनके लिए ये समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा उनके लिए, इसलिए इन शब्दों को मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो हम भारत के निवासी हैं और भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और इस शासन व्यवस्था को तो हमें समझना होगा कि क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, नंबर एक, कि जो संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति की बात हो रही है, कि सर्वोच्च पदाधिकारी नाम मात्र का सर्वोच्च होता है। वो केवल एक सम्माननीय पद है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। पहली विशेषता यही होगी कि संवैधानिक प्रधान नाम मात्र का प्रधान होता है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी विशेषता की, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका यानी सरकार की जो तीन प्रमुख अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होती है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ
संबंध होता है, यानी दोनों का जो संबंध है एक दूसरे से काफी निकट होता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व की, कि जब भी कभी कोई भी कार्य होता है कानून से संबंधित या राष्ट्र की किसी भी गतिविधियों को लेकर यदि होता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है। हम सबको ज्ञात है कि जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो विधेयक हो, चाहे वो संधियां हो, समझौते हो, युद्ध काल हो, शांति का समय हो, आपातकाल हो, सब में ही समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो अभी हमने ऊपर विशेषता पढ़ी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका प्रधान, वो नाम मात्र का होता है लेकिन काम सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो राष्ट्रपति अकेला जिम्मेदार नहीं है, जितने भी कार्यपालिका के सदस्य हैं, जितने भी व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, उन सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र के प्रत्येक कार्य को बेहतर ढंग से करे, कहीं कोई राष्ट्रीय अहित उनसे ना हो जाए, उसे बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं संस्थात्मक शासन व्यवस्था की। इसके अपोजिट है या तो संस्थात्मक होगा या फिर अध्यक्षात्मक होगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था इसकी उल्टी होती है, यानी कि कार्यपालिका प्रधान जो होता है वो ही सर्वे सर्वा होता है। इसमें नाम मात्र का होता है, इसमें सर्वे सर्वा होता है, यानी कि जो भी कार्यवाही होती है समस्त कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से होती हैं और स्वयं राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य का भागीदार होता है। दूसरी विशेषता हमने क्या पढ़ी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में घनिष्ठ संबंध नहीं होकर ये पृथक पृथक होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती ही नहीं है जब ये तीनों सरकार के प्रमुख अंग जो है अलग अलग होकर कार्य करते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमने इसकी विशेषताएं याद कर ली तो इसकी उल्टी विशेषताएं इसमें होगी, तो इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। अब बात आती है दूसरे शब्द की, वो है संघात्मक शासन या एकात्मक शासन। संघात्मक या तो शासन व्यवस्था संघात्मक होगी या फिर शासन व्यवस्था एकात्मक होगी, इन दोनों में से भी एक है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, कि जब शक्तियां एक जगह इकट्ठी नहीं होकर केंद्र से लेकर उनका धारा प्रवाह नीचे तक ग्राम पंचायतों तक पहुंच जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है, उसे बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और इसी का अपोजिट होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि सारी शक्तियां केंद्र में एकत्रित हो जाती हैं, यानी जो भारत का केंद्र है, राजधानी है, वहीं पर सारी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है और वहीं से समस्त शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे बोलते हैं एकात्मक शासन। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, संसदात्मक और संघात्मक। अगला शब्द है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ होता है कि जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं, जितने भी प्रशासनिक पद हैं, जिन जिन शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं, वो सारी शक्तियां संविधान प्रदत्त होती हैं, मतलब संविधान के अनुसार ही दी जाती हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति है तो इसे राष्ट्रपति की शक्तियां दी जाए, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की शक्तियां दी जाए, अमुक व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है, आरएएस आईएएस ऑफिसर है तो उसको ये शक्तियां दी जाए। तो ये शक्तियों का जो बंटवारा है वो सब संविधान के अनुसार ही दिया जाता है, इसलिए कहते हैं कि चाहे से कितना भी ऊंचा पदाधिकारी क्यों ना हो, वो सब संविधान के अधीन रहकर कार्य करते हैं, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता प्रत्येक राष्ट्र में बनी हुई होती है। अगला शब्द है संसद। इस शब्द को भी हमें बार बार ये प्रयोग में आता है। तो संसद का अर्थ होता है
व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं और इंग्लिश में इसे पार्लियामेंट कहते हैं। तो संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा इसके नाम से जाहिर है कि ये लोगों की सभा है और राज्यसभा राज्यों की सभा होती है। इसीलिए लोग ज्यादा होते हैं तो उनके सदस्यों की संख्या 545 से 552 है। वर्तमान में 552 की ही व्यवस्था है कि इससे ज्यादा लोकसभा के सदस्य नहीं हो सकते। और ऐसे ही राज्यसभा राज्यों की संख्या कम है तो उसके सदस्यों की संख्या 245 है। ये एक निश्चित आंकड़ा है जो भारत में विशिष्ट विधान के अनुसार अपनाया जाता है। तो ये बात हुई संसद की। संसद को पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका कहते हैं। इसके दो सदन होते हैं, लोकसभा यानी लोग छोटे होते हैं तो इसे निम्न सदन कहते हैं, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से वो ज्यादा है। और राज्यसभा क्योंकि राज्य लोगों से बड़ा होता है इसलिए इसे राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, और लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से इसकी संख्या कम होती है। तो लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन होता है। अगला शब्द है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें अपने राष्ट्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनके द्वारा प्रदान करने पे वो सारी की सारी चीजें जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं, वे ही आवश्यक चीजें, मूलभूत आधार जो है वो सरकार ने, हमारे राष्ट्र ने हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए हैं। तो वो मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में और उनको हम चैप्टराइजेशन में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इन शब्दों से हम लोग का परिचय होना अति आवश्यक है। इसके बाद में हम बात करते हैं सूचियों की। तो सूचियों का जो बंटवारा है, वो विषयों का जो बंटवारा है, वो सूचियों के माध्यम से किया गया है। विषय, वो विषय जिनका संबंध पूरे देश से है, पूरे राष्ट्र से जिसका संबंध होता है, वो सूची कहलाती है संघ सूची। हमें यहाँ पे समझना होगा कि विषयों का बंटवारा सूचियों के माध्यम से किया गया है। सूचियां 3 प्रकार की होती है, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी संवर्ती सूची। तो ये सूचियों में जिन जिन जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है, जिस विषयों का संबंध पूरे विषय से होता है, वो विषय सरकार के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से ही हमारा जो मूल आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती है। और मौलिक अधिकारों के प्राप्त होने से ही हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र मौलिक अधिकारों को देता है। अब ये मौलिक अधिकार विषयों के संबंध में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था कि विषयों का बंटवारा सूचियों के माध्यम से होता है और ये सूची 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में ऐसे विषय होते हैं जिनका संबंध पूरे भारत से होता है, ऐसे राष्ट्रीय विषय जिनका संबंध पूरे भारत से है वो संघ सूची में शामिल होते हैं। और इस सूची में 100 विषय शामिल है। वर्तमान में 100 विषय शामिल है, जिनमें से महत्वपूर्ण विषय जो है जैसे संचार है, डाक तार है, मुद्रा है और सेना है, रक्षा है। ये ऐसे विभाग हैं जिनका संबंध, ये मुख्य मुख्य बातें हैं बताइए। तो इनका संबंध पूरे भारत से होता है इसलिए ये संघ सूची में आते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची। तो राज्य सूची में 61 विषय हैं और 61 विषयों में वो जिनका संबंध पूरे राज्य से होता है, उनका वो राष्ट्रीय विषय नहीं होते, राज्य से जिनका संबंध होता है वो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य मुख्य रूप से जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सिंचाई है,
परिवहन है, यातायात है, अस्पताल है, सफाई है, ये सारी की सारी बातें जिनका संबंध राज्य विशेष से होता है वो सारी की सारी विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इसमें 61 विषय शामिल है। वर्तमान की बात हुई है तो 61 विषय इसमें शामिल है। और तीसरी सूची है संवर्ती सूची, और इस सूची पे दोनों का, संघ का और राज्य का, दोनों का ही अधिकार होता है। ऐसे विषय जो इनमें से छूट जाते हैं लेकिन जिनका संबंध केंद्र से भी है और राज्य से भी है, वो सारे विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य में जब भी कभी कोई मतभेद की स्थिति होती है तो जो यदि केंद्र सरकार ने उस पर नियम बना दिया तो राज्य सरकार अपने आप ही उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती है और वो पीछे हट जाता है। और राज्य सरकार को यदि बनाना है, उस राज्य से रिलेट करता है, तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो ये जो विषय है वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने ये मुख्य मुख्य रूप से कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को पढ़ा जो बार बार में राजनीति विज्ञान में आपसे उनकी उनका परिचय होता रहेगा और बार बार में वो शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको आएंगे। तो आपको उनसे जो रिलेशन है आपके उन शब्दों का, उनसे आपकी पहचान होना अति आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में ना भी आई तो आप वीडियो को बार बार में सुनकर, एक बार आपने नोट्स को पढ़ लिया उसके बाद में वीडियो को यदि आप चला लेते हैं, एक बार में समझ में नहीं आए दूसरी बार चलाइए, दूसरी बार में नहीं आए तीसरी बार चलाइए। तो इस तरह से यदि आप उसको एक दो बार देखेंगे, शुरुआत की बात है, उसके बाद में आपको जब ये विषय समझ में आ जाएगा तो समझना और भी आसान हो जाएगा और ये शब्द बार बार आएंगे और कहीं ना कहीं इनका संबंध होगा उस टॉपिक से जिसे हम पढ़ रहे होंगे।